दोस्तों, मैं हूं दीनामणि भीम। मेरे साथ हैं फिल्म डायरेक्टर श्रीराम डाल्टन। डायरेक्टर श्रीराम डाल्टन को 2013 में उनके फिल्म द लॉस्ट बहरूपिया के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है और इसी साल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित बे एरिया साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में इनकी फिल्म स्प्रिंग थंडर को दिखाई गई। लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई। सिनेमा समीक्षकों ने इस फिल्म के बारे में लिखे और इस फिल्म की बहुत तारीफ की। उसके साथ साथ इसी फेस्टिवल में स्प्रिंग थंडर के लिए श्रीराम डाल्टन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। हाल ही में गुवाहाटी में संपन्न ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल में स्प्रिंग थंडर को दिखाई गई और लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई। आइए आज हम उनसे उनकी आने वाली फिल्म स्प्रिंग थंडर के बारे में बातचीत करेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद दीना जी। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, जैसे कि मुझे भी उत्सुकता हो रही है और लोगों को भी उत्सुकता हो रही है कि ये फिल्म कब रिलीज होगी, लोग इस फिल्म को कब देख पाएंगे। एग्जैक्ट मंथ और डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि नए वर्ष में 2019 में ये फिल्म रिलीज होगी, लोगों तक पहुँचेगी ये फिल्म। और एक सवाल है कि आपकी जो आने वाली फिल्म है इसका टाइटल है स्प्रिंग थंडर, तो जो थंडर है, जो वज्रनाद है, अक्सर बारिश के टाइम में यानी कि मानसून के टाइम में सुनने को मिलता है, तो ये जो परस्पर जो कंट्राडिक्टरी टर्म है, स्प्रिंग के टाइम में थंडर, स्प्रिंग थंडर, ये टाइटल के बारे में आप बताइए। दरअसल जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये कंट्राडिक्टरी ऑलरेडी ये साउंड करते हैं, तो ये बहुत डिलिबरेटली एक कॉन्शियस थॉट है स्प्रिंग थंडर नाम रखने के पीछे। वो ये है कि बिजलियाँ कड़कती हैं बारिश के मौसम में, और अगर वो बसंत में बिजली कड़कती है मतलब कि कुछ तो अनयूजुअल है, ऐसा है जैसा होता नहीं है। तो स्प्रिंग थंडर का मेटाफर है वार्निंग ऑफ द नेचर। जैसा कि आप देख भी रहे हैं अभी पूरे दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज एक दुनिया का सबसे बड़ा विषय, महत्वपूर्ण विषय बन गया है। पेड़ पौधे जंगल चारों तरफ काटे जा रहे हैं माइंस मिनरल्स के लिए या शहरीकरण के लिए सुविधाओं के नाम पे, और उसका नतीजा है कि नेचर लगातार रिएक्ट कर रही है। जहाँ पानी चाहिए वहाँ पानी नहीं मिल रहा, जहाँ पानी नहीं चाहिए वहाँ खूब पानी मिल रहा है। तो इसलिए इस फिल्म का नाम स्प्रिंग थंडर रखा गया है। इट्स अ वार्निंग ऑफ द नेचर। जैसे कि आपने बताया नेचर के बारे में, तो इससे तो कुछ पता चल गया कि फिल्म कहीं ना कहीं जो प्रकृति है, नेचर है, इसके इर्द गिर्द ही होगी। लेकिन इसके जो कथा वस्तु है, विषय वस्तु है, उसके बारे में कुछ और डिटेल में आप बता सकते हैं? मैंने सोचा है कि कहानी को अभी मैं लोगों के बीच में रिवील नहीं करूंगा। फिल्म बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल फिल्म है, पर यह बोलूंगा मैं कि जो छोटा नागपुर का जो पूरा पठार है जिससे सराउंडिंग 5 स्टेट डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट उस पठार के बारे में पूरा देश, पूरी दुनिया ऐसे जानती है कि वो माइंस और मिनरल्स प्रोड्यूस करता है। माइंस और मिनरल्स के लिए झारखंड छत्तीसगढ़ जाना जाता है, लेकिन हमारी कहानी में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हमारा प्रदेश सिर्फ माइंस मिनरल्स के लिए नहीं जाना जाता, ये हमारे यहाँ की हरियाली, झरने, जंगल, जीव जंतु, फूल पौधों के लिए जाना जाता है, फलों के लिए जाना जाता है। मतलब टोटालिटी में ये कि हमारी कहानी जल, जंगल, जमीन के पक्ष में खड़ी होती है, प्रकृति के पक्ष में खड़ी होती है जिसके हम बच्चे हैं, और निश्चित तौर पे आम जीवन में आम लोगों की कहानी है, वर्ग संघर्ष है,
तो जैसे कि आपने कहा कि ये फिल्म वर्ग संघर्ष और जल जंगल जमीन और ऐसे कथा वस्तु पर आधारित है, जिस कथा वस्तु के ऊपर, जिस विषय वस्तु के ऊपर अक्सर फिल्में कम बनती हैं, तो ऐसे एक अनएक्सप्लोर्ड विषय वस्तु के ऊपर फिल्म बनाते वक्त आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्याओं का सामना करना पड़ा, दरअसल ये बहुत वाइड है ये सब्जेक्ट। मतलब आप जब जल जंगल जमीन की कहानी कहते हैं तो इतना बड़ा विषय है कि उसमें से आप कहानी कहाँ से उठाएं, किन किरदारों को उठाएं। हाँ, किसी एक को आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक किरदार को लेकर के आप कहानी को किसी भी चीज़ से जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे टोटैलिटी में एक सामाजिक ताना बाना, कई लेयर्स में कहानी कहनी थी, तो उतनी बड़ी कहानी को, कहानी बहुत बड़ी है, उतनी बड़ी कहानी को 2 घंटे में लाना वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। बहुत बातें कहनी थी, बहुत कुछ हम लोगों ने शूट किया। इस फिल्म को शूट किया हम लोगों ने करीब 4 साल, 4 साल तक शूटिंग की है। हाँ, कहानी का मुख्य जो प्लॉट है वो हम लोगों ने साल भर में शूट कर लिया, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो 90% की शूटिंग हम लोगों ने 1 साल में कर लिया। लेकिन फिर कहानी में रंग भरने के लिए और जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसमें डायमेंशंस के लिए, बहुत डिफरेंट चीज़ों के लिए हम लोगों ने धीरे 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 उसको सजाना शुरू किया, और बाकायदा बहुत इत्मीनान से हम लोगों ने 4 साल दिया। पहले ये प्लान था कि हम चारों मौसम 1 साल में पकड़ लेंगे तो कहानी में चारों कलर दिखेगा, लेकिन हर मौसम का बेस्ट जो आउटकम चाहिए था वो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में एक सिंगल मौसम में वो बेस्ट टाइमिंग, बेस्ट सिचुएशन पे आप चीज़ें अरेंज कर लें और शूट कर लें। तो हम लोगों ने एक ही चीज़ को कई बार शूट भी किया, तो ये एक बड़ा मामला था। दूसरा ये कि हमारी कहानी के जितने भी किरदार हैं, एक्टर्स हैं, मैक्सिमम एक्टर्स सब गांव देहात के लोग हैं जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की, जिनका कभी सिनेमा से कोई लेना देना नहीं। हाँ, फिल्म कैसे बनता है, इनफैक्ट मेरे टीम मेंबर्स भी मतलब बहुत दिनों तक परेशान रहे कि मैं क्या शूट कर रहा हूँ, ये कहानी कैसे बनने वाली है। हाँ, वो पूरा फॉर्मेट, वो ट्रीटमेंट, वो स्टाइल, हाँ, वो पैटर्न पकड़ने में टीम को भी बहुत समय लगा। जब कुछ दिन शूट हो गया और कुछ एडिट करके कुछ म्यूज़िकली लोगों को दिखाना शुरू किया, हाँ, एक प्रेजेंटेशन रखा, तो लोगों को दिखने लगा कि अच्छा ऐसे, अच्छा ये है स्टाइल, अच्छा ऐसे काम हो रहा है। तो ये था, लोगों को विश्वास में लेना, इतनी बड़ी टीम को लेकर के, मतलब करीब 40-45-50 लोग तो हमारे रोज के दिन भर का पूरा हमारा संख्या होता था जो कोर टीम था। इसके अलावा हम ज़रूरत पड़ने पे 100-150, 200-300 तक की संख्या में हमारी टीम हुआ करती थी, और बहुत सारा प्रिपरेशन, बहुत सारी तैयारियाँ एक एक चीज़ के लिए। जैसे हम लोगों को कुछ चाहिए होता था तो हमारे पास आम तौर पे पैसे वगैरह नहीं होते थे, तो हम लोग पूरे शहर में हम लोग घूम जाते थे उस किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, और शहर गांव भर में घूम घूम करके सब चीज़ इकट्ठा करते थे। और कई बार एक सीन की प्रॉपर्टीज और लोकेशन और सब कुछ इकट्ठा करने में हम लोगों को महीनों भी लगता था, तो हम महीना भी देते थे उस पर। तो बहुत इत्मीनान से काम किया गया है, बहुत धीरे धीरे। हाँ, सारे संसाधन ख़त्म हो गए तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब इमिडिएटली हम लोगों को संसाधन उपलब्ध हो गया, नहीं। जैसे हार्ड ड्राइव भी ख़त्म हो गया तो पता चला कि फ़ोन पे हम लोग मुंबई से लेके दिल्ली सब दोस्तों को हम लोगों ने खंगाल लिया था कि भाई 2000 दे दो, 5000 दे दो, 10000 दे दो, 20000 दे दो, लाख रुपए दे दो। तो ऐसे कर करके हम लोगों ने बहुत लोगों से बहुत तरह के सहयोग लिए। चैलेंज यही सब था, यही सब चैलेंज था, लेकिन हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। आपकी फिल्म के जो प्रोडक्शन टीम में प्रमोद कुमार जी का बहुत अहम योगदान था, और हमें सुनने को मिला कि वो कहीं नहा रहे थे और जिस समय वो डूबकर उनकी मौत हो गई, तो ये प्रमोद कुमार जी जो गाना भी लिखे हैं, बहुत अच्छा गाना है जो कि गुवाहाटी
ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल में जब फिल्म को दिखाई गई तो इसका जो म्यूज़िक है उसकी बहुत तारीफ हुई, और वो जो लिरिक्स है वो भी बहुत ही एक मूव कर देने वाली, एक दहला देने वाली, लोगों को ऊर्जा में भरपूर एक अलग शक्ति भर देने वाला गीत है। तो वो प्रमोद कुमार जी के साथ आपका जो भी अनुभव रहा है, जो भी दोस्ती है, उसके बारे में कुछ बताइए। परिंदा के प्रमोद सिंह को मैं परिंदा बोलता हूँ, वो खुद भी खुद को परिंदा बोलता था, लेकिन मैं हम दोनों कॉलेज के दोस्त रहे हैं। तो उसका उसके गीत के बोल हैं, इसको लेज़ी लुईस ने म्यूज़िक दिया है, मेघा ने गाया है, इसने म्यूज़िक दिए हैं, हाँ, और मेघा श्रीराम डाल्टन ने गाया है उसको। हाँ, गाया। गीत के बोल हैं उसके, दो चार लाइन मैं बोलता हूँ। लहला ईंट बनाने वाले, लहला ईंट बनाने वाले, भट्टी को सुलगाने वाले, और खड़ी धूप के नीचे अक्सर सूखे चने चबाने वाले, दिखते हैं कमज़ोर मगर तुम जोर से इनसे मत बढ़ाना। लहला ईंट बनाने वाले, भट्टी को सुलगाने वाले, और खड़ी धूप के नीचे अक्सर सूखे चने चबाने वाले, दिखते हैं कमज़ोर मगर तुम जोर से इनसे मत भिड़ना, मत भिड़ना। ये दुबले पतले सीख बदन इस्पात से ज़्यादा असली हैं, ये दुबले पतले सीख बदन इस्पात से ज़्यादा असली हैं, ये चुप्पी साधे बिन बोले हर बात से ज़्यादा असली हैं। लोग खोल रहा है दौर, लोग खोल रहा है दौर कि चाहे खूब मचा लो शोर मगर तुम जोर से इनसे मत भिड़ना, बस दिखते हैं कमज़ोर। तो इस ये सब लिख के गया है वो, और भी उसके दो तीन गाने और हैं हमारी फिल्म में, गाने कई सारे हैं हमारी फिल्म में, और सब एक से एक गाने हैं। सर, और एक सवाल है, आखिरी सवाल, कि चूँकि आपने एक ऐसी स्टोरी के ऊपर फिल्म बनाई जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, कुछ नहीं पता, हाँ, और रिमोट एरियाज की कुछ कुछ ऐसी बातें, ज़िंदगी के ऐसी पहलू जिसके बारे में अभी तक किताब भी नहीं लिखी गई है, तो इसके बारे में जानकारी आपने कैसे हासिल की, रिसर्च किए या फिर किसी से पूछताछ किए यहाँ पर मुंबई में रहते हुए, क्या किए? देखिए, मतलब मैंने जो कहानी उठाई है ना, वो कहानी मैंने किसी अनजान दुनिया से नहीं उठाई है कि मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत पड़े। मैं जीता रहा हूँ ना, मैं अपने गांव, अपने ज़मीन, अपने प्रदेश की मैंने कहानी उठाई है, जहाँ मेरा समय बीता है, जहाँ मेरा समय बीता है, और मैं एक सोसाइटी में कॉन्शियसली बहुत एक अप्रोच रहा है मेरा, हाँ, समाज में अलग अलग घटनाओं पे देखने का एक तौर तरीका, एक नज़रिया रहा है मेरा। कभी किसी चीज़ को ऐसा मैं इग्नोर नहीं करता रहा हूँ, एक छोटा सा कॉलम में एक छोटा सा आर्टिकल ही क्यों ना आया हो तो मैं उसके पीछे सोचने वाला आदमी हूँ कि भाई ऐसा क्यों है, वो छोटा आर्टिकल क्यों है, और उस आर्टिकल के अंदर जो खबरें हैं उसके जो समीकरण है वो क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, उस पर दिमाग भी चलता है अपना। खैर, तो एक लंबे समय में आप देख, मुझे इस बात को ऐसे कहना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में एक निचोड़ मैंने निकाल के रखा है, हाँ, तो रिसर्च तो जीवन से बड़ा रिसर्च क्या हो सकता है। आप जब अपना जीवन जीते हैं और आपके जीवन में जो प्रमुखता से जो सबसे प्रोमिनेंट जो बात निकल करके आती है उसके लिए आपको अलग से क्या रिसर्च करने की ज़रूरत है। इसके अलावे मैंने रिसर्च किया है, मैंने समझा है, मैं गाँव देहात, जंगल पहाड़, खदान, हाँ, ब्यूरोक्रेसी से लेकर के, पॉलिटिक्स से लेकर के, हाँ, माफिया लोग से लेकर के, हर तरह के क्राइम और क्रिमिनल्स, हर तरह के लोगों के बीच के मैं लोगों को देखता रहा हूँ। तो सारे सामाजिक ताने बाने की कहानी में सब अलग अलग डायमेंशन में डिफरेंट डिफरेंट क्लास सोसाइटी, हर तरह के लोग हैं, तो उनसे मिला करके निकाला हुआ चीज़ है, इसलिए रिसर्च वही है मेरा। समाज में मैंने समय दिया है, हर तबके में मैं रहा हूँ, हाँ, उठा हूँ, बैठा हूँ, खाया हूँ, पिया हूँ, सोया हूँ, समय बिताया है मैंने, तो रिसर्च तो है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस साक्षात्कार के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद दीना।